नमस्कार, आप देख रहे हैं नए अंदाज और नए तेवर में एलआर भारत। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसका उद्घाटन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। क्या कुछ कहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, सुनाते हैं आपको। हमारे पास से कहीं जाएगी नहीं, इस विरासत को मुकम्मल करना है तो ये घर घर बताना होगा कि धर्मांधता से इस देश का भला नहीं होगा। राम जी का सबसे बड़ा धर्म हाशिए के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है, सबसे बड़ा धर्म गरीब के पक्ष में अपनी राजनीति को लाभ हानि नहीं देखना है, और सबसे बड़ा धर्म जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना है, सबसे बड़ा धर्म असमानता के तमाम बिंदु खत्म करना है। और जो बात शुरू हुई है कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, मैं मांग करता हूं अपने दल की ओर से इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो आपने सुना के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जयंती की खास मौके पर बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं नेताओं ने हिस्सा लिया। सभी पार्टियों ने अपने तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एलआर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।